अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 16 हमारा है अकाउंटिंग का, फर्स्ट ईयर का। जनरल को एक सवाल फर्स्ट ईयर वालों के जहन में आएगा, जनरल को अगर क्लास चल रही होगी, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, ज़्यादा टाइम मैं खुद दे रहा हूँ इसको। इसको जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे, आगे वाले चैप्टर हमारे लिए उतने ही आसान हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक दो सवाल मैं आप लोगों को, तीन लेक्चर, लेक्चर नंबर मेरा प्लान ये है लेक्चर नंबर 16, 17, 18 के तीन लेक्चर्स हम जनरल के साथ कंटिन्यू रखें। लेक्चर नंबर 19 से मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं लेक्चर नंबर 19 से टी अकाउंट आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूं इंशाल्लाह ताला। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। अच्छा, आज का क्वेश्चन जो मैं जनरल का करवाऊंगा उसके अंदर मैंने लाइंस वगैरह देख रहे होंगे आपने, मैंने ड्रॉ नहीं की है लाइंस, मैंने ड्रॉ नहीं की है। लाइंस ड्रॉ कराए बगैर आप लोगों को लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, वैसे ही कॉलम बनेंगे डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट के, उसी तरीके से कॉलम बनेंगे। हम लोग जब एक रेगुलर क्लासेस ले रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मली जनरल कराने का तरीका यह होता है कि स्टूडेंट को जो है वो पहले दो तीन सवाल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ समझाए जाते हैं, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, नरेशन वगैरह प्रॉपर लिख के ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन से करवाया जाता है। जब स्टूडेंट को ये पैटर्न समझ में आ जाता है, ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि देखो हेडिंग उसी तरीके से आएंगी, हेडिंग डाली, लाइन्स ड्रॉ नहीं की, बगैर लाइन्स ड्रॉ करे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा। स्टूडेंट के लिए लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, तो आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं यहां पे सिर्फ कॉलम बनाऊंगा। ये क्वेश्चन दिया है जनरल का, इसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है, प्रीपेयर जनरल एंट्रीज बनानी है। नाम दिया है मिस्टर अकबर, जनरल कॉलम हमारे वही बनेंगे डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। लिखा हुआ है मिस्टर अकबर स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन January 1st 2014 बाय इन्वेस्टिंग कैश 90,000 एंड इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000। मिस्टर अकबर ने January 1st 2014 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ₹90,000 कैश से और ₹50,000 इक्विपमेंट से। ईयर लिखेंगे यहां पे 2014, डेट आ जाएगी January 1st। दो चीजों के साथ बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, एक है कैश एसेट्स है और दूसरा इक्विपमेंट, ये भी एसेट्स है। ये दोनों एसेट्स ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर अकबर, दोनों एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का अमाउंट आ जाएगा डेबिट में। 90,000 ये कैश लेकर आए हैं और इक्विपमेंट का अमाउंट है 50,000 और इस दोनों अमाउंट को लाने से, इन दोनों एसेट्स को लाने से इनका कैपिटल इंक्रीज होके आ गया क्रेडिट 90 + 50 140,000 कैपिटल क्रेडिट। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनी है, कैश एसेट्स था, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, इक्विपमेंट भी एसेट्स है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, ये दोनों एसेट्स आ गए हमारे डेबिट में क्योंकि एसेट्स लेकर आ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं और जिस टोटल अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे।
ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नरेशन में नहीं लिख रहा क्योंकि नरेशन मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में लिखवा दी है। नरेशन इसकी जो पास होगी वो पास होगी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट या टू रिकॉर्ड स्टार्टेड अ बिजनेस, टू रिकॉर्ड स्टार्टेड अ बिजनेस। जनवरी 1st के बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है जनवरी 5 की। लिखा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स एंड पेड 2,000 ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट। आप लोगों ने मर्चेंडाइज खरीदी क्रेडिट पे 50,000 रुपए की और 2,000 उस पर ट्रांसपोर्टेशन के पे किए। अगर मैं इसकी अलग अलग एंट्री बनाऊं मर्चेंडाइज खरीदी उधार पे तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेमेंट क्रेडिट। परचेजेस आ जाएगी डेबिट, मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं इनके पास इंक्रीज हो रही है डेबिट में आएगी परचेजेस के नाम से। क्रेडिट पे खरीदी है पैसे बाद में देने होंगे, लाइबिलिटी है इंक्रीज होके क्रेडिट में आ जाएगी। परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट और ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री क्या बनती है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्सपेंस होगा, सर्विसेज ली है उसके बदले पैसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, हमारे पास से कैश डिक्रीज हो गया। दोनों का एक दूसरे से लिंक भी है, कैसे, मर्चेंडाइज खरीदी उसको लाने का ट्रांसपोर्टेशन का किराया पे किया तो दोनों का लिंक हो गया एक दूसरे से। तो क्यों ना हम इस एंट्री को कंपाउंड बनाए, कंपाउंड का मतलब दोनों एंट्री को मिला के बनाए, अलग अलग बनाएंगे तो ऐसे बन रही है, साथ मिला के अगर मैं बनाता हूं तो क्या एंट्री बन रही है, परचेजेस डेबिट। मर्चेंडाइज को खरीदने को परचेजेस कहते हैं, मर्चेंडाइज खरीदी है इन्होंने 50,000 की, परचेजेस डेबिट। दूसरी चीज यहां पे क्या डेबिट में आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अगर मैं दोनों एंट्रीज को मिलाता हूं डेबिट को मैं एक जगह लिख दूंगा परचेजेस डेबिट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इन्होंने पे किया है 2,000। अब क्रेडिट में क्या क्या आएगा, अकाउंट पेबल और कैश। क्रेडिट में आ जाएगा अकाउंट पेबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 50,000, और कैश क्रेडिट हो रहा है 2,000 रुपए। मैंने दोनों एंट्रीज क्योंकि एक दूसरे से लिंक कर रही थी उनको बना के दिखाया है। सबसे बेस्ट वे इसको बनाने का, आप पहले अलग अलग एंट्रीज बनाएं। अब आप देखें डेबिट में क्या क्या आ रहा है उसको डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में आ रहा है उसको क्रेडिट में लिख दिया अपने अपने अमाउंट से। दोनों साइड्स की अमाउंट इक्वल है 50 प्लस 2 52,000। नरेशन इसकी पास होगी परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट, परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट, मर्चेंडाइज खरीदी और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पे की। अपने ओन वर्ड में नरेशन आप पास कर सकते हैं। जनवरी 7 sold merchandise on credit 16,000 and for cash 15,000 to Mr. Khalid. Merchandise bechi inhone credit pe 16,000 ki aur cash pe 15,000 ki. Separate entry agar main banata hu credit pe merchandise bechi paise baad mein lene hain. Merchandise credit pe bechi paise baad mein lene hain. Entry banegi account receivable debit of sales credit aur merchandise bechi cash pe. कैश डेबिट और इसमें भी इनके पास से मर्चेंडाइज दिखनी तो क्रेडिट में जाएंगी सेल्स के नाम से। दोनों एंट्रीज को अलग अलग अगर मैं बना रहा हूं, डेबिट तो दो अलग अलग है क्रेडिट एक ही है,
अब कंबाइन कैसे होगी, मर्चेंडाइज क्रेडिट पे बेची, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्होंने क्रेडिट पे बेची है 16,000 की, कैश पे इन्होंने मर्चेंडाइज बेची है 15,000 की, दोनों एसेट्स थे अकाउंट रिसीवेबल भी और कैश भी, दोनों इंक्रीज होके आ गए डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल और कैश डेबिट, और दोनों की क्रेडिट सेम है, तो सेल्स को मैं प्लस करके लिख दूंगा 31,000 सेल्स क्रेडिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सेवेंथ के बाद 15 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव अ चेक ऑफ ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर खालिद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 15 तारीख को इनको चेक रिसीव हुआ और उसी डेट में ये नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने चेक बैंक में जमा कराया, चेक रिसीव हुआ ये मेंशन नहीं है कि इन्होंने चेक को बैंक में जमा कराया या नहीं कराया, तो फिर हम इस चेक को कैश के नाम से डेबिट करेंगे, इनके पास कैश इंक्रीज हो रहा है। जब भी चेक रिसीव हो और उसी दिन बैंक में जमा ना हो तो वो कैश के नाम से रिकॉर्ड होगा, इनके पास कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स है, डेबिट में आ गया। इनको मिस्टर खालिद से 7 तारीख को देखें, इन्होंने मिस्टर खालिद को मर्चेंडाइज बेची थी 16,000 रुपए की क्रेडिट पे, मिस्टर खालिद से कितने पैसे लेने थे 16,000, इनको चेक कितने का मिला 15,000 का, इन फुल सेटलमेंट पूरा अमाउंट खत्म, 15,000 मिले, ₹1,000 इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब यह है कि बाकी अमाउंट इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। जो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं उसको कहते हैं सेल डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल डिस्काउंट। सेल के ऊपर डिस्काउंट दिया है, सेल डिस्काउंट क्योंकि हम किसी को दे रहे हैं और हमें पैसे कम रिसीव हो रहे हैं तो यह हमारा एक्सपेंस है। सेल डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं, हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो यह हमारा एक्सपेंस है, तो यह एक्सपेंस डेबिट में आएगा, और पैसे हमें रिसीव हो गए, अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा एसेट्स था अब ये डिक्रीज होके चला जाएगा क्रेडिट में, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होके क्रेडिट में चला जाएगा, एक एसेट्स हमारा कैश इंक्रीज हो गया और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से डिक्रीज हो गया। 15 के बाद ट्रांजैक्शन दी हुई है यहां पे 20 में लिखा हुआ है पेड बाय चेक 49,500 टू आसिम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। आसिम ट्रेडर कौन थे, 5 जनवरी को इन्होंने आसिम ट्रेडर से मर्चेंडाइज खरीदी थी क्रेडिट पे, अकाउंट पे भी क्रेडिट हुआ हुआ था 5 जनवरी को। अब आसिम ट्रेडर को ये पैसे पे करना है, इनके ऊपर से लाइबिलिटी खत्म हो गई, फुल सेटलमेंट का मतलब यह पूरी लाइबिलिटी पे हो गई, अकाउंट पेबल डेबिट 50,000, लाइबिलिटी खत्म होकर आ गई डेबिट में, चेक दे रही है, चेक के पैसे जाएंगे इनके बैंक से, चेक के पैसे जब बैंक से जाएंगे तो इनका बैंक डिक्रीज हो जाएगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और 49,500 का ये चेक दे रहे हैं, बाकी अमाउंट इनको डिस्काउंट मिल रहा है, 49,500 का ये चेक दे रहे हैं, बाकी अमाउंट इनको डिस्काउंट मिल गया। जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो कहलाता है परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट हमारी इनकम है, ₹500 क्रेडिट में आ जाएगी, और चेक जो हमने दिया है वो दिया है 49,500 का, ये पैसे हमारे बैंक से डिक्रीज हो जाएंगे, बैंक एसेट्स है, डिक्रीज होके क्रेडिट में चला जाएगा। ₹50,000 इनको देने थे, इनके ऊपर लाइबिलिटी थी 50,000, लाइबिलिटी खत्म हो गई डेबिट,
49,500 का चेक दे दिया, ये पैसे चले गए बैंक से, बैंक डिक्रीज होके क्रेडिट, 500 रुपए इन्होंने डिस्काउंट इनको मिल गया, ये इनकी इनकम है, इनकम इंक्रीज होके क्रेडिट में आती है। सेल डिस्काउंट एक्सपेंस है जो हम देते हैं, एक्सपेंस डेबिट में आया, परचेज डिस्काउंट हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगी। 20 के बाद 25 में लिखा बता, डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक रिसीव ऑन जनवरी 15। जनवरी 15 को जो चेक मिला था, जिसको 15,000 हमने कैश के नाम से रिकॉर्ड करा था, ये बैंक में जमा करा दिया तो हमारा बैंक इंक्रीज हो गया और हमारे पास से कैश डिक्रीज हो गया। जनवरी की 15 तारीख को चेक मिला था, उसको हमने जमा नहीं कराया था बैंक में, अब जमा करा रहे हैं तो बैंक इंक्रीज हो गया और कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, तो एंट्री बन गई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। 25 जनवरी के बाद 30, मिस्टर अकबर परचेज अ मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस कैश 5,000। मोबाइल फोन खरीदा पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी चीज खरीदे बिजनेस से निकाले वो ड्राइंग कहलाती है। बिजनेस से 5,000 रुपए इन्होंने निकाले अपना मोबाइल फोन खरीदने के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले ड्राइंग डेबिट और बिजनेस से कैश डिक्रीज होके चला गया क्रेडिट में। 10,000 इन्होंने 10,000 रुपए अपनी ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट एडवांस में पे करा चेक के थ्रू, चेक के थ्रू पे करा। एक होता है रेंट एक्सपेंस और अगर आप इसको एडवांस में देते हैं तो ये कहलाता है एडवांस रेंट, एडवांस रेंट डेबिट, और चेक से पे करा तो चेक के पैसे चले जाएंगे बैंक से, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, एडवांस रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 10,000। अगर ये एडवांस नहीं लिखा हुआ होता तो यहां पे मैं लिखता रेंट एक्सपेंस, अभी एडवांस लिखा हुआ है तो मैंने डेबिट में लिखा एडवांस रेंट, चेक दिया चेक के पैसे बैंक से डिक्रीज होंगे, बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। तो 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा दी हुई थी। ट्रांजेक्शन हमारे पास टोटल थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रांजेक्शन थी और इसके अंदर कुछ कंपाउंड भी थी। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 17 में एक नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा, एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें मुझे डाउट होगा कि इसमें आपको शायद प्रॉब्लम आए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5 ईयर से नोट कीजिएगा, ट्रांजेक्शन को खुद भी समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।